आपको बाइक और कार जैसे वाहनों की खरीदने की प्रक्रिया पता ही होगी। इनको खरीदने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक हेलीकॉप्टर खरीदने की क्या प्रक्रिया होती है? आप में से कई सारे लोग इसको जानने के लिए उत्सुक भी होंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में हेलीकॉप्टर खरीदने की क्या प्रक्रिया होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज आप रोजाना देख सकेंगे। सबसे पहले बता दूं कि एक हेलीकॉप्टर को खरीदने की और उसको संभालने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हेलीकॉप्टर को खरीदना इतना आसान नहीं होता है। हेलीकॉप्टर को खरीदने के बाद उसके रखरखाव और पायलट पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर आप सस्ता हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो आप रॉबिन्सन R22 को खरीद सकते हैं। इसकी कीमत है लगभग 2 करोड़ रुपये। ये दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर में यही मॉडल होता है। हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है। आपको सबसे पहले भारत सरकार की सिविल एविएशन वेबसाइट से एक फॉर्म भरना होता है और आपको मंत्रालय में जाकर NOC के लिए आवेदन भी करना होगा। वहां पर आपको पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आपको DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की भी परमिशन लेनी होगी। आपको वहां पर भी सभी जानकारी देनी होगी। इस हेलीकॉप्टर को एक एक्सपर्ट पायलट ही चलाएगा, इसका प्रूफ भी देना होगा और हेलीकॉप्टर के रखरखाव के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की अनुमति मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद हेलीकॉप्टर का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हेलीकॉप्टर के मालिक को पायलट को 40,000 से 1.5 लाख तक पेमेंट देना होगा। साथ ही आपको हर बार हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए चार्ज देना पड़ेगा। आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर लैंडिंग के लिए चार्ज देना पड़ेगा। आपको बता दें कि IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के प्रत्येक लैंडिंग के लिए 30,000 तक खर्च आता है। साथ ही हेलीकॉप्टर के मालिक को MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल संगठन की ओर चयन करना चाहिए। वो मालिक को सहज समाधान प्रदान करते हैं, हवाई यातायात को बनाए रखने में मदद करते हैं, इसके लिए वो चार्ज भी लेते हैं। इसी तरह से ओवरऑल मालिक को हेलीकॉप्टर पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो आपको पता चला होगा कि भारत में हेलीकॉप्टर खरीदने की क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।